तो दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लास इलेवेंथ ग्यारहवीं त्रैमासिक का 2023 का गणित का जो है कि हिंदी माध्यम है, आप लोगों का रियल पेपर आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों, पूर्णांक आपका 80 होने वाला है, 80 में 80 आप लोगों को लाइक एकदम ये रियली पेपर है। आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है ना, और हम आपको फुल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, आपके यहाँ पास निर्देश भी दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर से पूरा दे पढ़ लीजिए, एबीसी पूरा आप लोगों को करा दिया जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है तो ए और बी ही यूट्यूब पर लीक किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हम ये करवा रहे हैं और अगली वीडियो बी सेट की रहेगी। ठीक है ना, आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है तो बी से मिलते जुलते रहते हैं, कुछ ऐसे भी है कि ऐसे आधे आधे में डिफरेंट रहता है। हम आप लोगों को ये वाला इसलिए दिखा रहे हैं, ए भी दोनों करा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को पढ़ लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, और हम सही समय पर अगर हमें रियल पेपर मिलेगा तो हम आपको रियल पेपर भी करा देंगे। उसके लिए बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो पूरा का पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आप पूरा 80 में से 80 करके लाए। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को देखते जाइए। ए प्लस वन बी माइनस वन इक्वल 3 1 हो तो ए बी का मान क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको इसको देखिए तो होगा ए बी मतलब -2 बराबर होगा 2। ठीक है ना, आप लोग इसको देख लीजिए तो क्या दिया हुआ है, -2 आएगा आंसर, क्योंकि ये तीसरा है -2 3। अब रिक्त स्थान आप लोग करना है, रिक्त स्थान लिख लीजिए, रिक्त स्थान क्या होगा सकता है आप लोग का, दूसरा का होगा 2 और 3, 2 3 पहला नंबर है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। ठीक है ना, अब ये रिक्त स्थान में अवयवों की संख्या होती है, रिक्त स्थान में अवयवों की संख्या क्या होती है दोस्तों, आप लोग ये चैप्टर 1 का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें 0 होती है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एन ए बराबर पी तथा एन बी क्यू हो तो एन ए एक्स बी क्या होगा, इसमें आप लोगों को ये चैप्टर 2 का है जहाँ तक मेरा मानना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, समीकरण संख्या 3 प्लस आयोटा की संयुग्मी होंगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों का एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ए बी सेट भी पढ़ लीजिए, ए सेट भी पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी तकलीफ ना जाए। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि ये एकदम यही आपको आएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एकदम रियल पेपर आए, लेकिन ये ए सेट है। अब ये मुझे नहीं पता कि आपके क्लास में ए सेट आएगा या फिर बी सेट। ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि ए सेट आएगा कि बी सेट। अब ये सही जोड़ी दी गई है, आप लोग इसको पूरा आप देख लीजिए। ठीक है ना, 10 75 कोस 4 में 180 6 नंबर की होने वाली है जो आपकी। ठीक है ना, एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। ठीक है ना, और बी सेट की भी आप लोगों को हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, इसके लिए आप लोगों को बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है ना, और रियल पेपर हम पक्का यूट्यूब पे डाल देंगे सही टाइम पर, अगर हमें सही आपको परीक्षा होने से पहले हम रियल पेपर ज़रूर डाल देंगे। ठीक है ना, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते जाइए, ताकि उस रियल पेपर को कम समय में याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना पड़े। ठीक है ना दोस्तों, आप बस एक बार उसको पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, पर ये गारंटी है कि हम आपको रियल पेपर ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे पेपर से पहले। ठीक है ना, आप लोग तब तक इसको पढ़ लीजिए, ये इसमें से बहुत रियल पेपर में जो क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे आपके कम से कम 30 35 नंबर के हैं इसमें क्वेश्चन, आप लोगों को ज़रूर इसको देखना चाहिए। ठीक है ना, छठा देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, छठा देख लीजिए, अथवा भी आप लोगों को करना है। ठीक है ना, समझ लीजिए कि ये आपका एक ट्रिस्टा हो रहा है, अगर इसको आप पूरा कर लेंगे पेपर में बड़े आराम से पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, 9th का देख लीजिए। ठीक है ना, 22 2 बड़ा
तो छोटा है 22 से का आलेख विधि का हल कीजिए, ठीक है। 9th नंबर का है, इसके अथवा में भी देखते जाइए, पूरा आप नोट कर लीजिए। हम आपको पूरा जो है वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। 9th 10th भी लिख लीजिए, समीकरण दिया है, ठीक है ना। एक्स इसको पूरा नोट कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी ही से बेसिक बन जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और हम मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल भी कई बच्चों ने ए सेट और बी सेट को मैंने पेपर डाला था, तो सब लोगों ने देखा था और उनका बहुत काफ़ी अच्छा नंबर आया था। और फिर मैं रियल पेपर भी डाला था, और जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो गई थी। तो आप लोग गाइस इसी तरह कीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना। और सही समय मिलती है, हम तो रियल पेपर आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिए। इसमें से मैं बता रहा हूँ कि एकदम 50% ज़रूर आ सकता है, 50% का चांस है। बी सेट भी करा दूँगा तो हो ही जाएगा आप लोगों का, मान लीजिए ना होगा 70-80%, तो 50% बी ए सेट में मिला कर क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। आप लोग इसका पूरा नोट कर लीजिए, किसमें नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप लोग कमेंट कर कहेंगे तो हम आपको आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। आंसर भी आप लोगों को चाहिए अगर तुम बता दीजिए तो हम आंसर भी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। या 21वां नंबर लिख लीजिए, इसके अथवा में भी दिया है, समृद्ध संख्या 1+iota अपॉन 1-iota का मापांक ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये 22 नंबर भी देख लीजिए, रवि ने पहली दो कक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हुए हैं, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। किसी तीसरी एकांक परीक्षा में 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त करिए, ठीक है ना दोस्तों। इसका आप लोगों को देख लेना है। और ये अथवा में क्या है, 10 में से क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों, ठीक है दोस्तों। अब लोग ऐसी क्रमागत याद संख्या ज्ञात करनी है। 23वां दिल्ली सिद्ध कीजिए कि sin x+sin 3x - cos x + cos 3x के बराबर है tan 2x1, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को ज़रूर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेना है पूरे। अगर कहीं पास भी आप लोगों को नहीं बनता, कहीं पास भी कंफ्यूज है, मतलब कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनता, तो आप ग्रुप हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर भी उत्तर बता देंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो। बस आपको जल्दी से उसको फ़ोटो खींच के या फिर मैसेज कर दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम उसका उत्तर आप लोगों को आपको सीधे ही प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।